सो गैस, आप लोग पिनाका मिसाइल के बारे में सुने होंगे। पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जिसको कि किसी ट्रक पर या किसी व्हीकल पर मिसाइलों को लाद करके ले जा करके दुश्मनों की ओर फायर किया जा जाता है। तो चलिए आज हम इसको डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले इसके डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो पिनाका मिसाइल को की डेवलपमेंट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब DRDO ने इसको किया था। और इसकी हम लोग मैक्सिमम रेंज की बात करें तो इसकी रेंज 7 से 80 किलोमीटर के बीच में मतलब इफेक्टिव है। और इसके दो रेजिमेंट बने मतलब दो मिसाइल बने। तो पहले मिसाइल का नाम है Mark 1 जिसका कि इफेक्टिव रेंज 40 किलोमीटर है, और दूसरा है Mark 2 जिसका कि करीब 80 किलोमीटर इफेक्टिव रेंज है। और इसकी हम लोग वेरियंट की बात करें तो अभी तक 3 वेरिएंट बने हैं, Mark 1, Mark 2 और Mark 3। Mark 3 जो कि 120 किलोमीटर तक फायर करती है और वो अंडर डेवलपमेंट में अभी है। दोस्तों, यदि हम पिनाका मिसाइल की किसी वार में इसका इस्तेमाल किया गया है तो वो कारगिल वार जो कि 1999 में हुआ था। और पिनाका के हम लोग फायरिंग स्पीड की बात करें तो ये करीब 12 रॉकेट 44 सेकेंड के अंदर अंदर फायर कर देता है। और गैस, यदि हम लोग इसके डेवलपमेंट की बात करें तो करीब 1980 में इसका डेवलपमेंट शुरू हुआ था, और पहला जो पिनाका Mark 1 का सक्सेसफुल परीक्षण था वो करीब 1990 में किया गया था। और यदि हम लोग इसके मिसाइल के इस्तेमाल की बात करें मतलब निशाना कैसे लगाया जाता है, तो पिनाका मिसाइल को निशाना पर लगाने के लिए इसको GPS से कनेक्ट किया जाता है। मतलब GPS अपने पिन पॉइंट पर उसकी सही लोकेशन देता है कि जहाँ पर मिसाइल को गिराना है, तो उसके जरिए सेटेलाइट से कनेक्टेड रहता है और इसमें मेन काम GPS होता है जिसके जरिए बम को गिराया जाता है वहाँ पर। और गैस, यदि हम इस मिसाइल की कीमत की बात करें तो इसका कीमत लगभग यूनिट कॉस्ट की बात करें तो करीब 26 करोड़ से लेकर के 290 करोड़ के बीच में आता है। और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो Mach 4.7 है। सो गैस, मिलते हैं फिर अगले वीडियो।